I am a disco dancer, zindagi mera gaana. To jumo, to nacho, aur mere saath nacho gao. I am a disco dancer, pa-pa-pa-rap. बॉलीवुड का चर्चित गायक विजय बेनेडिक्ट प्री क्रिसमस कार्यक्रम में भाग लिन मुंबईबाट डुअर्स आइपुगेका छन्। उनी शनिबार डुअर्स को बीरपाड़ा छेउ गैरकट्टा फुटबल मैदान में हुने गस्पेल कमेलोडी नाइट 2022 कार्यक्रम में सहभागी हुन शुक्रबार आइपुगे। उनीसित अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पनि छन्। मुंबईबाट बागडोगरा एयरपोर्ट हुँदै उनीहरू शुक्रबार डुअर्स को चालसा पुगेका छन्। उल्लेखनीय छ, बेनेडिक्ट अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती द्वारा अभिनीत हिंदी चलचित्र डिस्को डांसर को सुपरहिट गीत आई एम अ डिस्को डांसर का गायक हुन्। 80 र 90 को दशक में बप्पी लहरी लगायत धेरै सँग गीत गाएको जनाउँदै डुअर्स को जनता संगीत प्रेमी रहेको बेनेडिक्टले बताए। कार्यक्रम आयोजक समिति का प्रमुख सलाहकार रेभरेन्ड शर्मन थापा लगायत को टोली ले चालसा में बेनेडिक्टलाई भव्य स्वागत जनायो। सफ़र बहुत अच्छा। डुअर्स मेरे ख्याल से अपने देश का बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं देख के तो यहाँ एकदम बहुत ही सरप्राइज हो गए। इतनी खूबसूरत जगह भी हम हमारे देश में बहुत बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन डुअर्स इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कल के प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, मेरा आप लोग इस जगह से ताल्लुका जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से मेरा बहुत पुराना 85 से है, जब से मैंने फिल्म जगत में गाना शुरू किया तब से मैं यहाँ आता था। मैं आया हूँ मिथुन दा के साथ, बप्पी लहरी जी के साथ, वो तो अब नहीं है, प्रभु उन्हें आशीष दे और अच्छी जगह में रखे। लेकिन और भी बड़े बड़े स्टार्सों के साथ हम लोग आए यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, और यहाँ का जो प्रोग्राम का जो मज़ा आता है वो शायद बहुत ही अलग किस्म का होता है। पूरे रात हम लोग गाना पड़ता है। हम लोग बॉम्बे से आए, हम लोग रात में ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं 12-1 बजे तक, पर यहाँ तो पूरे रात प्रोग्राम करना चाहते हैं। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जैसे वेस्ट बंगाल में होता है। तो खुश हूँ यहाँ पर आकर, और मैं कल शाम को आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जितने भी लोग हों यहाँ पर आए और मैं उनसे मिलूंगा और उनके लिए गीत गाऊंगा, परमेश्वर के गीत गाऊंगा। और क्रिसमस का है टाइम तो बहुत ही खूबसूरत है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ये गाना तो मेरे लिए, ये कहिए कि मेरी फिल्म शुरुआती हुई इस गाने से, आई एम अ डिस्को डांसर। ये पहला ही गाना था पहली फिल्म में मुझे, और पहले ही फिल्म में और पहले गाने में ही मुझे इतना परमेश्वर ने, उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना सौभाग्य मिला कि मुझे एंट्री मिली फिल्म जगत में। और मिथुन दा के लिए मैंने गाया था और मिथुन दा ने बहुत अच्छा, अभी हमारा प्रोग्राम था जी टीवी पे, तो उसमें भी मैं बता रहा था कि हमारे मिथुन दा तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट एक्टर्स ऑफ आर टाइम, और ये उन्होंने गाना गाया, ये मेरी खुशनसीबी थी। और गाना काफ़ी अच्छा आज भी लोग सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है सुन के। पर ये गाना मेरे लिए था नहीं, ये गाना था किशोर दा के लिए। पर बी सुभाष ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बी सुभाष जी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वो हमसे कहें तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन मुझे तो अभी तो किशोर कुमार सब मांगते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। ऐसा करो तुम गा दो गाना स्टूडियो में आकर, अगर अच्छा लगेगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर किशोर दा तो मेरे जो जवान वो दिल न लगाना, तो फिर वो गा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा गाने के लिए। तो मैं गाया, उसके बाद सुभाष जी ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ इस गाने से, ये गाना हम तुम्हारी आवाज़ में रखेंगे और मिथुन दा के ऊपर फिल्माया जाएगा। आई एम अ डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, तो जुमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। आई एम अ डिस्को डांसर, पा पा पर अप। आई एम अ डिस्को डांसर के लिए गाया, मिथुन चक्रवर्ती जी के लिए गाया, अनिल कुमार अनिल कपूर जी के लिए, आमिर खान, गोविंदा, ये सब उस टाइम 80s में बहुत बड़े स्टार्स थे। हीरोज़ के लिए मुझे गाने का मौका मिला, मैं और आप लोग का प्यार मिला,
पूरी पब्लिक, पूरे दोस्त हमारे जिनको अच्छा लगा उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो प्यार मुझे मिला, मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। आज भी बहुत मुझे प्यार मिलता है मैं जब कभी भी प्रोग्राम करने जाता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों को म्यूज़िक का बहुत ही, संगीत का बहुत ज्ञान है और बहुत खुशी से वो क्या कहते हैं सुनते हैं, और बहुत ही उनको लगाव है संगीत से। इसलिए मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे वेस्ट बंगाल के जो हमारे लोग हैं जो आते हैं सुनने के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वजह है सबसे पहले कि जिसने आसमान को बनाया, सारा भूमंडल को बनाया, उस परमेश्वर ने हमारे मन में डाला कि उसका प्रेम को हमें जाहिर करना ज़रूरी है, प्रमाण करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जगत को बनाया है ना। तो इसीलिए उसका प्रेम को प्रकट करना ज़रूरी है। और उन्होंने जो मनुष्य जाति के लिए जो उदार मुक्ति के लिए योजना बनाया है, उसको हमें प्रकट करना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि समय अंतिम है ना। तो इसीलिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना, उसकी उद्धार की योजना के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमने प्रेरणा पाया है कि बेनेडिक्ट सर जी को उनका गवाही जीवन गवाही किस तरीके से प्रवेश में से उन्होंने अपने जीवन में जानकर वो बहुत आशीषित है। तो उनकी गवाही और उनकी मधुर संगीत हम लोगों के हृदय को छू लिया है और हम लोग आशीषित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे डुअर्स के लोग, स्पेशली गरकटा के लोग और आसपास के जितने लोग हैं, परमेश्वर के बारे में जानें और उसके उद्धार और मुक्ति की योजना के बारे में जानें, क्योंकि जगत उन्हीं ने सृष्टि किया है। सो मैं आग्रह करना चाहता हूँ एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, सो सब लोग आ जाए, कल 3 बजे से शुरू होगा, आप आइए, प्रवचन सुनिए, आपके लिए शांति छुटकारा संजय के लिए भी प्रार्थना की जाएगी, और विजय सर से आप मधुर संगीत भी सुनकर आप धन्य हो जाएंगे। आप सबको स्वागत है, आप अपने परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसी के साथ आइए और प्रोग्राम को मजा लीजिए। इतना कहना। कल का जो हमारा प्रोग्राम है प्री क्रिसमस गोस्पल का मेलोडी म्यूजिक कल नाइट जो है, हमारे डॉक्टर विजय बेनेडिक्ट सर के साथ में है। उनका जो 80s और 90s का गाना है सभी को याद है। सो वे हमारे वेस्ट बंगाल को और विशेष करके पूरे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और सिलीगुड़ी को बहुत प्यार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी कल प्रोग्राम में आए और देखिए क्या होगा कल, और मधुर संगीत का लाभ उठाइए और आप आके उनसे मिलिए और आशीष को पाए। घर को फर्नीचर नहीं घर को शोभा हुन्छ, अतिथिहरुको नजर फर्नीचर मा नै पर्छ। फर्नीचर को लेटेस्ट ट्रेंड द्वारा घरलाई नया लुक्स कसरी दिने, फर्नीचर जंक्शन 3 तलामा र 25,000 वर्ग फुट मा फैलिएको फर्नीचर को एकमात्र राम्रो संग्रह, शोरूममा हर किसिमको फर्निचर कम मूल्यमा उपलब्ध छ। यसको रेन्ज र मूल्यलाई हेर्दै फर्निचरको वान स्टप सल्युसन हो फर्निचर जंक्सन। हो, फर्निचर जंक्सन 3 माइल सेवक रोड सिलीगुडी, फोन नम्बर 9851511111।